है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइस, आज हम एक बैक हैंड मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा एट्रेक्टिव और ब्यूटीफुल, बिगनर्स आर्टिस्ट इसे ज़रूर देखिएगा। हम इसे हिबिस्कस फ्लावर के साथ बहुत ही ज़्यादा ईज के साथ क्रिएट करेंगे। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन है और बहुत ही न्यू एलिमेंट्स है इसमें, तो आप लोगों को ये डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सिंपल वाला हमारा हिबिस्कस फ्लावर जो है वो क्रिएट किया है, साथ में एक हमने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है हमारा स्क्वायर एलिमेंट। अब मैं यहाँ पर इस स्क्वायर एलिमेंट में इस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर रही हूँ। आउटर साइड पर एज इट इज़ जो है हम हमारे हम्स को क्रिएट करेंगे, और इनसाइड आप कोई भी अपने पसंद के फिलर एलिमेंट फिल कर सकते हो। यहाँ पर मैंने स्पाइरल्स को क्रिएट किया है, देन मैं इसे बोल्ड कर रही हूँ। बोल्ड करने के बाद अब आउटर साइड पर जो है हम हम्स को क्रिएट करेंगे एज इट इज़। हम्स मस्ट है, हम्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, ब्यूटीफुल लगेंगे, तो आप भी हम्स को ज़रूर क्रिएट करिएगा। एज यू कैन सी गाइस के यहाँ पे हमारे हम्स जो है वो क्रिएट हो चुके हैं। तो वापस से एक ऑपोजिट साइड पर मैं यहाँ पे हिबिस्कस को क्रिएट करूँगी। हिबिस्कस के क्रिएट हो जाने के बाद हमारे डिज़ाइन को हम एक्सटेंड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से लीव्स को क्रिएट किया है। लीव्स बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं। बेसिकली थोड़ा सा एम्बोस पैटर्न जो है हम वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे डिफरेंट काइंड ऑफ लीव्स के साथ, और लीव्स क्रिएट हो जाने पर हम इसे एम्बोस कर देंगे। थोड़े से और एलिमेंट्स हम क्रिएट करेंगे ताकि हमारा बंच जो है वो और अट्रैक्टिव लगे। जब अगर आप बिगनर आर्टिस्ट हो तो मेक श्योर करेगा कि जब आप प्रैक्टिस करो गाइस, तो आप प्रैक्टिस में छोटी छोटी डिज़ाइन क्रिएट करो। जैसे कि मैं रिस्ट के पास से जो क्रिएट कर रही हूँ उस तरीके की डिज़ाइन क्रिएट करें आप, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप डायरेक्टली फुल हैंड डिज़ाइन को क्रिएट करने लग जाओगे तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, आपकी डिज़ाइन आपके माइंड से ख़त्म हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाएगा। तो आप छोटी छोटी डिज़ाइन से प्रैक्टिस करिएगा तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छे से बढ़ेगा। एज यू कैन सी कि यहाँ पर मैंने फिंगर की तरफ इस तरीके से स्क्वायर को क्रिएट करके वापस से एक हिबिस्कस को क्रिएट किया है। बेसिकली हम एक हिबिस्कस पैटर्न ही क्रिएट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव नज़र आएगी। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पर कि मैंने इस तरीके से लाइन्स को कर दिया है क्रिएट। लाइन्स बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। अब मैं थोड़ी सी पैटर्न को हमारे डिज़ाइन को जो है ड्राई आउट होने दूंगी, उसके बाद मैं इसमें और ज़्यादा डॉट्स क्रिएट करूंगी। आपने देखा कि मैं स्टॉप हो चुकी हूँ यहाँ पर, अदरवाइज़ गर्मी की वजह से डिज़ाइन फैल जाएगी। अब जो मैं यहाँ पे वापस से हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पे हमारे स्पाइरल के पास क्रिएट कर दिया है लीव्स। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर एलिमेंट को क्रिएट कर रही हूँ। आप चाहो तो अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्क्वायर को क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो है हमारे स्क्वायर एलिमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम फिंगर को क्रिएट करेंगे। अब फिंगर्स में एज इट इज़ आप चाहो तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई सी भी फिंगर की डिज़ाइन को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली लाइंस को करके हुए हमारी हाफ ऑफ डिज़ाइन को फिंगर्स को क्रिएट करूँगी। ऊपर की तरफ जो है मैं लीव्स को क्रिएट कर रही हूँ। लीव्स के साथ आप चाहो तो कोई से भी लीव्स की पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो, डांसिंग लीव्स, ज्यूसी लीव्स, वेवी लीव्स, आप चाहे वो डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। अब जो है मैं यहाँ पे पेटल्स पे शेडिंग कर रही हूँ। आप चाहो तो आप क्रॉप लीव्स भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। पेटल्स पे लीव्स क्रिएट हो जाने के बाद हम क्रिएट करेंगे हमारे फिंगर की डिज़ाइन। सो गाइस, अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमारे फ्लावर में शेडिंग कर देंगे, बिकॉज हम पहले फिंगर की डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे तो शेडिंग करने में हमें मुश्किल होगी। तो हम जिसे मैं बता रही हूँ आप लोगों को उसी तरीके से हिबिस्कस फ्लावर में शेडिंग करनी है। शेडिंग के बाद एज इट इज़ हमारे डिज़ाइन को बोल्ड कर देंगे और हमारी सारी फिंगर की डिज़ाइन कम्प्लीट कर देंगे। और हमारी डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आया और डिज़ाइन पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।